लगातार लेते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया महेंद्र। और वहीं 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। अयोध्या में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अयोध्या में फिर एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। एक नया रिकॉर्ड अयोध्या में बनता हुआ देखा जाएगा जब ये सभी दीप जलेंगे। अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स ने इसकी तैयारी की है और 55 घाट कुल हैं जहां पर 28 लाख ये दिए जलाए जाएंगे। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी लगभग पूरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर तैयारियां लगातार यहां पर की जा रही है। हालांकि पिछले साल भी दीपोत्सव में एक रिकॉर्ड बनाया गया था और उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। अयोध्या को भव्य रूप से सजाया गया है। सालों बाद यहाँ पर दीपावली एक अलग रूप में देखी जाएगी, एक अलग तरीके से देखी जाएगी। बहुत ही भव्य तरीके से इस बार दीपावली का ये त्यौहार मनाया जाना है क्योंकि रामलला की वापसी अयोध्या में हुई है। अपने गर्भगृह में विराजे हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं रामलला। और उसके बाद की ये पहली दिवाली है। ऐसे में बहुत ही खास अयोध्या वासियों के लिए है, सभी देशवासियों के लिए है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और इसी मौके पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 28 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या और जब ये 28 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे तब जो दृश्य होगा वो बेहद खूबसूरत दृश्य आप देखेंगे। अयोध्या में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। एक एक कवरेज आप तक इंडिया न्यूज के जरिए पहुंचाई जाएगी। आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से एक साथ जब ये 28 लाख दिए 55 घाटों पर जलेंगे तो कितना खूबसूरत अयोध्या तब नजर आएगा। तो 28 लाख दीपों से अयोध्या जगमगाती हुई नजर आएगी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनाया जाएगा। दीपोत्सव की तैयारी लगभग कर ली गई है। एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसको लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो 55 घाटों पर 28 लाख दिए लगाए गए हैं। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स ने अपना योगदान दिया और ये पूरी तैयारी की है इसको लेकर। आप देखिए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है, ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया है और लगातार बस अब इस बात का इंतजार है कि अयोध्या में जब ये 28 लाख दिए एक साथ जलेंगे 55 घाटों पर तो दृश्य कैसा होगा, कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। और उसी दृश्य को देखने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अनिल मिश्रा अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, कैसी तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है? दीपोत्सव का इंतजार सभी को है। 55 घाटों पर जो 28 लाख दिए लगाए गए हैं एक साथ जब वो जलेंगे कैसा दृश्य तब होगा, इसको देखने का इंतजार बेसब्री से सभी लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से राम पथ पर झांकियां निकलनी शुरू हो गई है। आपको तस्वीर दिखा किस तरह से झांकियां तैयार है। अभी देखिए माता सभी सामने बैठी हुई है और ऊपर भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। ये झांकियां सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग और सूचना विभाग के माध्यम से बनाई गई है। यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल करके किस तरह से पुष्प विमान बनाया गया है। यहाँ पर एक एक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो की साकेत महाविद्यालय से निकल चुकी है और लता मंगेशकर चौक के लिए झांकियां जाएंगी। किस तरह से देखिए यहाँ पर गीतराज तो भगवान श्री राम हाथ में बैठे हुए हैं और आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक एक करके झांकियां निकल रही हैं यहाँ से साकेत महाविद्यालय से। तैयारियां पूरी मुकम्मल है, बस राम का पूरी तरह से भक्ति में होता सा नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से हनुमान जी भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा करने कर जा रहे हैं। ये सभी तैयारियां पूरी राम पथ पर है और देखिए यहाँ पर झांकियां तैयार है। किस तरह से रानी सुग्रीव का युद्ध हो रहा है, आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने गेटअप में तैयार हैं।
बस उस घड़े के अंदर जा रहे हैं जब यहाँ पर ये सारी झांकियां निकाली जाएंगी। देखिए किस तरह से तैयारियां हैं, आज की तस्वीर हम दिखाएंगे कि कितनी तैयारियां हैं और यह रामपथ पूरी तरह से भक्तिमय होता से नजर आ रहा है। और भी झांकियां आ रही है सामने से, आपको वो भी दिखाते चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर झांकियां आ रही है। एक एक झांके में आपको दिखाएंगे लगातार। इंडिया न्यूज जिस तरह से आपको एक एक खबरों के लिए अपडेट करने की बात कर रहे थे, बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर वो चीजें आपको अपडेट की नजर आएंगी। और देखिए किस तरह से तैयारियां हैं। हमारे साथ कुछ साथी मैं जाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? अर्पित जी, कैसी तैयारियां देख रहे हैं दीपोत्सव की? दीपावली इतनी भव्य मनाई जा रही है कि राम जी के आगमन के बाद ऐसी दीपावली कभी ना मनाई। अच्छा, तो लग रहा है जिसको पीछे पहले उसने अपना रिकॉर्ड बोल कर के रिकॉर्ड बोले, बाद में रिकॉर्ड बनाएंगे। और ये सभी झांकियां महाविद्यालय निकल कर जाएंगी लता मंगेशकर चौक तक। देखिए ये सभी कलाकार भी तैयार है। देखिए किस तरह से सभी लोग उत्साह से लबरे हैं। भगवान श्री राम, भगवान और त्रेता की पूरी तस्वीरें यहाँ पर अपन दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हैं, सारे लोग तैयार हैं। बस इससे घड़ी का इंतजार है जब ये पूरा राम पथ पूरी तरह से राम बन जाएगा। ये सभी आर्टिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना जी, किस गेट में हैं आप? अच्छा, कितनी खुशी इस बात की क्योंकि आज दीपोत्सव ऐसे में आप पहुंचे हैं। अच्छा, आज भगवान राम की पूजा जी, कितनी खुशी क्योंकि आज दीपोत्सव इस बार रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी। अच्छा देखिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस उत्सव मौके का साक्षी बन रहे हैं। तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि क्या क्या तैयारियां हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और अपने आराध्य भगवान श्री राम के स्तूप को लेते हैं और जो भी चाहता लगाएंगे। हनुमान जी, आप हनुमान जी गेट में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपोत्सव पर अयोध्या में, कितनी खुशी है हनुमान जी को? प्रतीक्षा करते एक साल की, कभी अच्छी घड़ी आएगी और ये लोग यहाँ पर भगवान श्री राम पे और गुणगान बात करेंगे। किस घटक में है आप प्रभु? परशुराम जी हैं। अच्छा, अयोध्या में धूमधाम में दीपावली की, कितनी खुशी इस बात की? अच्छा, बहुत खुशी है। आप क्या बने हुए हैं? जनक जी बने हैं। देखिए माता जानकी पिताजी जनक जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पक्की हुई दाढ़ी, पक्की हुई मूंछें। ये बताइए कितनी खुशी है क्योंकि आज दीपोत्सव भव्य मनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए ये सभी लोग बताओ आप किस गेट में हैं? आप सीता के, बनवासी सीता। अच्छा, कितने खुश हैं आप क्योंकि एक ऐसा किरदार निभाने जा रही है जो कि बहुत मर्यादित है, बहुत ही संयमित है। देखिए आप तस्वीर देखो किस तरह से तैयारियां हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस प्रत्येक लोगों का साक्षी बनने के लिए और ये लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और अपने झांकियों के माध्यम से लोगों को सबके नाम से यहाँ पर मौजूद है। राम बने हैं आप आपका? अच्छा, यहाँ पर पहुंचे हैं राम पर झांकियां निकल गई है, कितनी खुशी बात है जिस तरह से बने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, रावण भी आ गया है, बहुत खुश है क्योंकि यहाँ से किस तरह से रंग लोग जाते हैं। ये देखिए को सबसे पहले
और चलिए बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं निकिता सरीन मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। अब निकिता, लखनऊ में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि आज 30 अक्टूबर है, आज दीपोत्सव है, कल दीपावली है, अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली मनाई जानी है, ऐसे में किस तरह की तस्वीरें फिलहाल है, किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, ठीक यही जो नजारा है ये राम की नगरी अयोध्या का है, जिसकी झलक पाने के लिए श्रद्धालु कब से इनफैक्ट कह सकते हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और लगभग 500 साल के बाद ये भव्य दिवाली जो अयोध्या में मनाई जा रही है, मौजूदगी मेरी इस वक्त राम पथ पर है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। सबसे पहले विजुअल्स के माध्यम से मैं अयोध्या नगरी भी आपको दिखाना चाहूंगी, फूलों से जो साइड में बैरिकेडिंग है वहां पर उनको गेंदे के फूलों से हर एक बैरिकेडिंग को जो राम मंदिर तक जाती है उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इनफैक्ट दोनों ओर जो बैरिकेटिंग है और साथ ही साथ भजन और गीत बज रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, प्रभु राम की नगरी की चारों दिशाओं में जो ये गूंज रहे हैं, चमक धमक पूरी तरीके से अयोध्या नगरी में दिख रही है। और साथ ही अयोध्या को निहारने के लिए उसकी उत्साह में जितने श्रद्धालु हैं लगातार अयोध्या नगरी पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ये भी ज़रूरी है कि आज की जो दिवाली है, दीपोत्सव है, वो बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि ये रीज़न फिलहाल सबको पता है, सरकार अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ेगी। सिलसिले की अगर मैं बात करूं तो 2017 से शुरू हुआ था जब महज 1 लाख दिए जले थे और आज ये आलम है कि लगभग 28 लाख दिए यहां पर जलेंगे। और साथ ही साथ राम मंदिर में 2 दिनों तक दिवाली है जिसका महा उत्सव भी चलेगा, जिसमें पहले दिन 1 लाख दीप जलाए जाएंगे तो दूसरे दिन 1 लाख दीप और जलाए जाएंगे। ये राम मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये राम मंदिर की बात है। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से कह सकते कहीं ना कहीं कि त्रेता युग एक बार फिर से लौट आया है क्योंकि लगातार हमारी मौजूदगी अयोध्या नगरी में है और साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि त्रेता युग फिर से लौट आया है, जहाँ पर कहा जाता था रात नहीं होती थी, अंधेरा नहीं होता है, तो ऐसे ही जगमगा रही है फिलहाल अयोध्या नगरी। और भारी तादाद में यहाँ पर लोग भी राम के दर्शन करने पहुँच रहे हैं क्योंकि सभी को उत्साह है। और इनफैक्ट कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी कल पहुंच गई थी, कल जिस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम्स होने हैं उसकी भी तैयारियां हमने देखी हैं, किस तरीके से तैयारियां हो रही थी, तो उत्साह बिल्कुल 4 गुना इस वक्त ज़्यादा है अयोध्या नगरी में। और क्योंकि हो भी क्यों ना, आखिर ये दीपावली है अयोध्या वाली, दीपों वाली, और दीपावली का असली जो महत्व है, असली जो पर्व है वो कहीं ना कहीं जो अयोध्या नगरी है उसी ने सिखाया है और अयोध्या से ही अब ये देश विदेश में फेमस हो गई है। और यहाँ आकर के विदेशियों को बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मज़ा आ रहा है और वो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से एक एक जो पल है, एक एक जो क्षण है वो हम ले करके ज़रूर जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। आप भी सर पटना से? पहली बार अयोध्या? हाँ, पहले बार आए। क्या बात है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? अच्छा, हम देखने आए थे दिवाली यहाँ के अयोध्या के, चलते दिवाली देखने के। बार कह सकते हैं कि दिवाली आप घर में ना मना के अयोध्या में मनाने आए? दिवाली हमें अयोध्या मनाने आए। तो आपकी दिवाली अयोध्या वाली? हाँ, आपकी अयोध्या। सबसे अच्छा क्या लगा आपको अयोध्या, जैसे ही आपने अयोध्या की भूमि पर कदम रखा? बहुत अच्छा लगा मंदिर में। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से, एमपी। फर्स्ट टाइम अयोध्या आ रहे हैं, कैसा लगा, महसूस हो रहा है दिवाली के पर्व पर आप आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। क्या क्या देखा अभी तक? मंदिर देखा, बहुत अच्छा है। सिर्फ सुना होगा, देखा होगा, साक्षात आज देखा? अच्छा, साक्षात देख लिया। क्या क्या देखना है अभी? अभी जा रहे हैं घाट फाट देखते हैं, अभी रसोई घर है यहाँ पे वो भी देखने जा रहे हैं।
क्या क्या यादें आज सजो के लेके जाएंगे आज अयोध्या से आप पटना में, क्या बताएंगे जाके कि हमने अयोध्या में क्या क्या देख लिया? क्या क्या देखे? राम जी का मंदिर देखे, बहुत अच्छा लगा देखने में है? और यहाँ पर शादी ले जाएंगे और देखेंगे घाट, सरजू घाट जाएंगे। सरयू घाट पर तो दिए भी लगे हैं, आज रिकॉर्ड बनने की पूरी तैयारी हो गई है। सरजू घाट का कल भी जाएंगे सरजू घाट घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सब लोग कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से आए हैं। पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा मुझे आज तक कहीं नहीं लगा। सही बात है, बिल्कुल सब कैमरे पे बोल रहे हैं, इससे अच्छा कहीं नहीं लगा। इससे अच्छा कहीं नहीं लगा मुझे। ऐसा क्या मजा आ गया यहाँ पे? मैं ऐसी ऐसी जगह घूम के आया हूँ, यहाँ से अच्छा मुझे कहीं नहीं लगा। मैं शिमला मनाली सब जगह घूमता, लेकिन यहाँ जो लगा ना मुझे, यहाँ से अच्छा मुझे कहीं नहीं लगा। एक सकारात्मक वातावरण का फिलर्स आते हैं, वो आए आपको एक पॉजिटिव फीलिंग? बिल्कुल, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर लोग अपने आप ही बयां कर रहे हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं अनुष्का, कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को फिलहाल पटना, अगर मैं पटना बिहार की बात करूँ तो हर जगह से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने घर में इस बार की दिवाली ना मनाकर वो अयोध्या में दिवाली मनाना चाह रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं एक तरह से अपना सौभाग्य भी मान रहे हैं। बिल्कुल निकिता, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास है कि लोग दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, दीपावली अपने घर में नहीं बल्कि रामलला के घर में अयोध्या नगरी में मनाना चाह रहे हैं और वहां पर मनाने के लिए पहुंचे हैं। दीपोत्सव भी आज होने वाला है, एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनने वाला है। बहुत ही खास दिन आज है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है और ऐसे में लोगों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक भी देखी जा रही है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका निकिता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में अब आगे बढ़ते